हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी 6 सैम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट 1 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वेक्टर एटम मॉडल, जो कि एग्जाम में मिनिमम 6 मार्क्स में और मैक्सिमम जो है वो 8 मार्क्स में पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट, जब भी हम किसी एटम मॉडल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उस एटम मॉडल से पिछले वाले एटम मॉडल की क्या कमियां थी, जिसकी वजह से हमें नया एटम मॉडल लाना पड़ा। देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर एटम मॉडल से पहले बहुत समरफील्ड एटम मॉडल की बात की जाती थी। बहुत समरफील्ड एटम मॉडल में बहुत सारी कमियां थी। पहली कमी तो ये थी कि जो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग सीरीज की जो लाइंस मिलती हैं, चाहे बाल्मर सीरीज हो, चाहे पाश्चर सीरीज हो, चाहे पफंड सीरीज हो, चाहे ब्रैकेट सीरीज हो, और भी बहुत सारी सीरीज थी जो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखने को मिलती थी। देखिए स्टूडेंट्स, उन सीरीज की जो इंटेंसिटीज होंगी उनमें क्या कंपैरिजन रहेगा, ये हमें बहुत समरफील्ड एटम मॉडल ने नहीं बताया। मींस रिलेटिव इंटेंसिटीज क्या होंगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली डिफरेंट सीरीज की, उसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत समरफील्ड एटम मॉडल ने ना तो एनोमलस जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, ना ही स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। देखिए स्टूडेंट, जीमन इफेक्ट क्या होता है, जब भी किसी एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो हर एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो बहुत सारे कंपोनेंट लाइंस में फर्दर स्प्लिट हो जाती है, इसी को जीमन इफेक्ट बोला जाता है। और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, जब भी किसी एटम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो हमारे पास हर एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो बहुत सारी कंपोनेंट लाइंस में स्प्लिट हो जाती है, और इसी फिनोमेना को बोला जाता है स्टार्क इफेक्ट। तो ना तो एनोमलस जीमन इफेक्ट एक्सप्लेन किया बहुत समरफील्ड मॉडल ने, ना ही स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। और साथ के साथ सबसे बड़ी कमी ये थी बोहर समरफील्ड मॉडल में कि उसने हमें जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होंगे एटम के अंदर, उसके बारे में कोई भी बात नहीं की। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए 1925 में दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, यूलन बैक एंड गाउट स्मिथ। उन्होंने बोहर समरफील्ड एटम मॉडल को फर्दर एक्सटेंड किया और वो अपना एक नया मॉडल लेके आए, जिसको नाम दिया गया वेक्टर एटम मॉडल। देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर एटम मॉडल को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए अर्थ के मोशन के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, अर्थ का मोशन कैसा होता है सन के अराउंड। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है और 365 डेज में एक रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करती है, एक चक्कर जो है अर्थ सन के चारों तरफ लगाती है। अर्थ सन के चारों तरफ तो घूमती ही घूमती है, साथ के साथ वो अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करती है। मीन्स वहां पर अर्थ का मोशन जो है वो रिवोल्यूशनरी मोशन भी होता है और रोटेटरी मोशन भी होता है। अर्थ के दो तरह के मोशन होते हैं, एक अपनी एक्सिस के अबाउट, एक सन के चारों तरफ। उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो साथ के साथ वो अपनी एक्सिस के अबाउट भी रिवॉल्व करता है। ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन होता है, उसके कारण जो एंगुलर मोमेंटम आता है एटम के अंदर, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम कैपिटल एल वेक्टर से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन की अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन करने के कारण जो एटम के अंदर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम कैपिटल एस वेक्टर से डिनोट करते हैं। वेक्टर एटम मॉडल हमें क्या कहता है, वेक्टर एटम मॉडल क्या कहता है कि हमें एटम के पास दो तरह के एंगुलर मोमेंटम होंगे। एक होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करने के कारण आएगा। एक होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जो कि इलेक्ट्रॉन का अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के कारण आएगा। और ये दोनों एंगुलर मोमेंटम जो हमारे पास होंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर, इनको हम वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन से ऐड कर सकते हैं, जिससे हमें एक नया एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम जे वेक्टर से डिनोट करते हैं, कैपिटल जे वेक्टर से। मीन्स कैपिटल जे वेक्टर जो होगा वो सम होगा
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, मींस जे वेक्टर विल बी इक्वल टू एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर। एल वेक्टर यहाँ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, एस वेक्टर यहाँ पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, और जे वेक्टर जो है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम है एटम का। यही बेसिक फंडा है इस वेक्टर एटम मॉडल का। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है डिस्कस वेक्टर एटम मॉडल एंड व्हाट आर इट्स मेन फीचर्स, तो आप स्टार्टिंग में थ्योरी में क्या लिख के आएंगे आइए वो देख लेते हैं। वेक्टर एटम मॉडल इज एक्सटेंशन ऑफ बोहर समरफील्ड एटम मॉडल। तो वेक्टर एटम मॉडल से पहले जो हमारे पास चलन में था वो था बोहर समरफील्ड एटम मॉडल, जिसने हमें ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ इलेप्टिकल ऑर्बिट भी में भी रिवॉल्व कर सकते हैं, मीन्स इलेप्टिकल ऑर्बिट भी पॉसिबल है। तो ये वेक्टर एटम मॉडल बोहर समरफील्ड मॉडल की ही एक्सटेंशन था, उसी को फर्दर एक्सटेंड किया गया था। द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ लाइन्स इन द स्पेक्ट्रा ऑफ एच एटम कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बोहर समरफील्ड एटम मॉडल। तो पहली जो लिमिटेशन थी बोहर समरफील्ड एटम मॉडल की वो ये थी कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको डिफरेंट लाइंस देखने को मिल रही थी, चाहे वो बाल्मर सीरीज की लाइंस हो, चाहे वो पास्टन सीरीज की लाइंस हो, चाहे ब्रैकेट पफन डिफरेंट सीरीज की लाइंस जो हमें मिल रही थी, लाइमन सीरीज हो, उन लाइंस की इंटेंसिटीज में क्या कंपेरिजन रहेगा, मीन उनकी रिलेटिव इंटेंसिटीज क्या रहेंगी, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, इसके बारे में बोहर समरफील्ड एटम मॉडल ने कोई बात नहीं की थी। बोहर समरफील्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन एनोमलस जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। जो हमारे पास एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर जो लाइंस हैं वो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जो फर्दर स्प्लिट क्यों हो जाती हैं, इसको भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया बोहर समरफील्ड एटम मॉडल ने। अनदर शॉर्ट कमिंग ऑफ दिस थ्योरी इज दैट इट डज नॉट थ्रो लाइट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स। बोहर समरफील्ड एटम मॉडल ने हमें ये नहीं बताया कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, अरेंजमेंट कैसा रहेगा। ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी बोहर समरफील्ड एटम मॉडल की। टू ओवरकम ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर समरफील्ड एटम मॉडल यूहलेनबेक UHLENBACK एंड गाउटस्मिट GOUDSMIT एक्सटेंडेड दिस मॉडल एंड इज नाउ कॉल्ड वेक्टर एटम मॉडल। इन्हीं लिमिटेशंस को दूर करने के लिए यूहलेनबेक एंड गाउटस्मिट ने अपने आइडियाज प्रपोज किए, उन्होंने एक नया मॉडल प्रपोज किया जो कि बोहर समरफील्ड मॉडल की ही एक्सटेंशन था, जिसको उन्होंने नाम दिया वेक्टर एटम मॉडल। An atom model is called vector atom model in which spin angular momentum vector S vector is added vectorially to orbital angular momentum vector L vector to form resultant angular momentum vector J vector. तो वेक्टर एटम मॉडल की खास बात क्या थी कि जो हमारे पास एटम के अंदर दो तरह के एंगुलर मोमेंटम होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन के कारण जिसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं एस वेक्टर, और इलेक्ट्रॉन के जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवोल्यूशन के कारण जो एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है जिसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं एल वेक्टर, उनको हम वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन से हम उनको ऐड कर सकते हैं ताकि हमें रिजल्टेंट मिल सके, रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम मिल सके जिसको हम जे वेक्टर से डिनोट करते हैं। मींस जे वेक्टर विल बी द सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मींस जे वेक्टर विल बी इक्वल टू एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर। तो यही था हमारा बेसिक वेक्टर एटम मॉडल। इसके बाद आप इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिख के आएंगे वो देखेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर, और साथ ही साथ हम वेक्टर एटम मॉडल के जो दो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे, आप देखते हैं कि आप वेक्टर एटम मॉडल के इंट्रोडक्शन में और क्या ऐड करके आएंगे ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था एल वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा आइए वो देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर इज गिवन बाय, मैग्नीट्यूड ऑफ एल वेक्टर को हम डिनोट करेंगे एल वेक्टर, साथ में दो लाइंस लगाएंगे जिसका मतलब यह है कि हम एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अगर आपने ये लाइंस नहीं लगानी, ये वेक्टर का साइन नहीं लगाना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एल वेक्टर को हम सिंपली एल से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल एल से भी डिनोट कर सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल एल इंटू स्मॉल एल प्लस वन इंटू एच कट जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर है। वेर एल इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एल जो है वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है जिसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा कि एस जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में है। मान लीजिए वो एस ऑर्बिटल में है तो एस ऑर्बिटल के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है तो पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू वन होती है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है तो उसके लिए एल की वैल्यू टू होती है, एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट
एल कैन टेक वैल्यूज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल एल इज इक्वल टू एल स्टार एच कट, जहां पर एल स्टार जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन के बराबर है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, बहुत बार ये नोटेशन हम यूज करेंगे स्टार वाली। एल स्टार का मतलब होगा स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन। जैसे हमने मैग्नीट्यूड लिखा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, उसी तरह से हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर इज गिवन बाय, मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर को हम डिनोट करेंगे एस वेक्टर के साथ दो लाइंस लगा देंगे। इसका मतलब यह है कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, कर रहा है। अगर आपने वेक्टर का साइन नहीं लगाना, ये दो लाइंस नहीं लगानी, तो आप सिंपली एस लिख दीजिए। कैपिटल एस इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल एस इंटू स्मॉल एस प्लस वन इंटू एच कैट। अब स्मॉल एस क्या है यहाँ पर, स्मॉल एस एक और क्वांटम नंबर है जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, वेयर स्मॉल एस इज स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की ओरिएंटेशन हो सकती है, या तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो सकती है या क्लॉकवाइज स्पिन हो सकती है। अगर क्लॉकवाइज स्पिन है तो एस की वैल्यू प्लस हाफ होगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है इलेक्ट्रॉन की तो एस की वैल्यू माइनस हाफ होगी। मींस स्मॉल एस कैन टेक ओनली टू वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर की, सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती है, या प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल एस इज इक्वल टू एस स्टार एच वेक्टर एच कट वेक्टर। एस स्टार यहां पर क्या है, एस स्टार है यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ एस 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 प्लस वन। तो एस स्टार जहां भी लिखा होगा तो उसका मतलब ये होगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, स्मॉल एस मल्टीप्लाई स्मॉल एस प्लस वन। तो स्टूडेंट जैसे हमने एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया, जैसे हमने स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया, उसी तरह से हम टोटल एंगुलर मोमेंटम जे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम जानते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम जे वेक्टर किसके बराबर होगा, दैट विल बी द सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। मीन जे वेक्टर जो होगा वो एल वेक्टर एंड एस वेक्टर का सम होगा। तो उसी तरह से हम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे जे वेक्टर के। आइए देखते हैं कैसे। द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम जे कैपिटल जे वेक्टर इज गिवन बाय, मैग्नीट्यूड जो है कैपिटल जे वेक्टर का उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल जे वेक्टर साथ में लाइंस, अगर वेक्टर लगा है तो आपको लाइंस लगानी पड़ेंगी, अगर आपको लाइंस नहीं लगानी वेक्टर नहीं लगाना तो आप सिंपली कैपिटल जे भी लिख सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल जे इंटू स्मॉल जे प्लस वन इंटू एच कट। यहाँ पर स्मॉल जे क्या है, स्मॉल जे है टोटल एंगुलर मोमेंटम नंबर, जिसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, स्मॉल जे की जो वैल्यूज हो सकती है वो हो सकती है स्मॉल एल प्लस एस, स्मॉल एल प्लस स्मॉल एस माइनस वन, एल प्लस एस माइनस टू एंड अप टू एल माइनस एस। देखिए स्टूडेंट, स्क्वायर रूट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में हैं, और जो मैग्नीट्यूड्स हैं हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का हो, चाहे स्पिन एंगुलर मोमेंटम का हो, चाहे टोटल एंगुलर मोमेंटम का हो, वो कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे, स्मॉल नोटेशन जो है वो किसी और टर्म्स के लिए है, क्वांटम नंबर्स के लिए है, और जो कैपिटल लेटर्स में हमने नोटेशन लिखी हैं वो हमारे पास मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम को। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल जे इज इक्वल टू जे स्टार एच कट, वेयर जे स्टार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जे जे प्लस वन। तो स्टूडेंट्स इतनी चीजें और ऐड करेंगे आप इंट्रोडक्शन में, और दो चार लाइनें और ऐड करेंगे आप इंट्रोडक्शन में, वो हम देखेंगे अब आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो ये स्टूडेंट्स बात करते हैं बाकी बची हुई इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर एटम मॉडल की। देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर एटम मॉडल जो है वो ना तो पूरा क्लासिकल मॉडल है, ना ही पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, ये एक सेमी क्लासिकल मॉडल है जिसमें हम एंगुलर मोमेंट टर्म जो होते हैं एल वेक्टर एंड एस वेक्टर, मीन्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर, उनको हम क्लासिकली ट्रीट करते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ये क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। बट हमने पिछले सेक्शन में देखा जो इनकी वैल्यूज आ रही थी, एल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा था, चाहे एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आ रहा था, चाहे टोटल एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड आ रहा था, वो वहां पर क्वांटाइज्ड वैल्यूज निकल के आ रही थी, क्योंकि स्मॉल जे स्मॉल एल एंड स्मॉल एस की जो वैल्यूज थी वो क्वांटाइज्ड थी। जैसे स्मॉल एल जो है वो 0, 1, 2, 3 वैल्यूज ले रहा था, स्मॉल एस जो है वो प्लस हाफ या माइनस हाफ वैल्यूज ले रहा था, और स्मॉल जे जो था वो एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस तक वैल्यूज जो है वो ले रहा था। मींस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हर चीज क्वांटाइज्ड होती है, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हर चीज जो है वो कॉन्टिन्यूस होती है। जैसे आपने हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स देखे होंगे, वो सारे के सारे एनर्जी लेवल्स जो हैं वो सारे के सारे क्वांटाइज हैं, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वांटाइजेशन रूल अप्लाई होता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। जो एल वेक्टर एंड एस वेक्टर है उनको हम ऐड कर सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग,
अकॉर्डिंग, और इनकी जो वैल्यूज दी जाएंगी वो क्वांटाइज्ड होंगी क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। तो ये सेमी क्लासिकल मॉडल है, इसमें आप ये लाइन भी लिखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी इंट्रोडक्शन की। द वेक्टर एटम मॉडल इज अ सेमी क्लासिकल मॉडल इन विच एंगुलर मोमेंटा एल वेक्टर एंड एस वेक्टर आर ट्रीटेड क्लासिकली बट देयर वैल्यूज आर गिवन क्वांटम मैकेनिकली। तो वेक्टर एटम मॉडल एक सेमी क्लासिकल मॉडल है, ना तो यह पूरा क्लासिकल है ना ही पूरा क्वांटम मैकेनिकल है, दोनों के बीच का है। कुछ बातें क्लासिकल मैकेनिक्स से उठाई गई हैं, कुछ बातें क्वांटम मैकेनिक्स से उठाई गई हैं, तो दोनों को मिला के एक मॉडल बनाया गया है, इसलिए इसको सेमी क्लासिकल मॉडल बोला जाता है। इसमें हम एंगुलर मोमेंटम जो होते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इनको हम क्लासिकली डील करते हैं, क्योंकि वेक्टर्स की जो बात आती है तो वेक्टर्स की बात हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन देना, ये एरो लगाना ऊपर, ये सब कुछ क्लासिकल फिजिक्स के अंदर डिस्कस किया जाता है। जबकि जो वैल्यूज होती हैं यहाँ पर एल वेक्टर एंड एस वेक्टर की, वो क्वांटाइज हैं, जिसकी बात हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। तो स्टूडेंट, जिनकी जो वैल्यूज हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ली गई हैं, तो इसलिए इसको सेमी क्लासिकल मॉडल बोला जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में आपको दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे, वो डायग्राम कौन से हैं आइए वो देखते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा एल, ये लाइन जो है ये एल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जे जो होता है वो एल प्लस एस होता है, और जे की जो वैल्यूज हैं वो एस के अकॉर्डिंग होंगी। एस की जो वैल्यूज है या तो प्लस हाफ हो सकती है या माइनस हाफ हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग जे की दो वैल्यूज निकल के आएंगी, या तो एल प्लस वन बाय टू निकल के आएगी या एल माइनस वन बाय टू निकल के आएंगी। अगर एस की वैल्यू प्लस हाफ है तो आप डायग्राम कैसा बनाएंगे, तो एस वेक्टर को आपने ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट करना है, और जो रिजल्टेंट होगा वो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और रिजल्टेंट हमारा होगा जे वेक्टर। इसी तरह से अगर हमारे पास एल वेक्टर ऐसे है जैसे पहले था, और अगर एस की वैल्यू माइनस हाफ है तो आपको एस को नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करना है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे एग्जाम के अंदर। और जो रिजल्टेंट होगा जे वेक्टर, वो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये हमारा होगा जे वेक्टर। तो आपको ये डायग्राम और ये दो चीजें जो है आपको इंट्रोडक्शन में लिख के आनी पड़ेंगी। अगर एस की वैल्यू प्लस हाफ है तो ऊपर की तरफ, अगर एस की वैल्यू माइनस हाफ है तो नीचे की तरफ, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और जो रिजल्टेंट होगा जे वेक्टर, दैट विल बी द सम ऑफ एल वेक्टर एंड एस वेक्टर, वो रिप्रेजेंट किया जाएगा थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल से। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन वेक्टर एटम मॉडल का। नेक्स्ट सेक्शन में हम शुरू करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, और उनको पूरी डिटेल में भी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने डिस्कस किया वेक्टर एटम मॉडल के इंट्रोडक्शन, अब हम डिस्कस करेंगे मेन फीचर्स ऑफ वेक्टर एटम मॉडल। देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर एटम मॉडल के दो मेन फीचर्स होते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं वो। तो अब हेडिंग बनाएंगे मेन फीचर्स ऑफ वेक्टर एटम मॉडल। देयर आर टू मेन फीचर्स ऑफ वेक्टर एटम मॉडल, नंबर वन इज स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज स्पेशल क्वांटाइजेशन। इन दोनों फीचर्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो आप फर्स्ट पॉइंट में हेडिंग बनाएंगे स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर एटम मॉडल आया था 1925 में, उससे पहले दो ऐसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना एक्सप्लेन हो चुके थे जो कि बोहर समरफेल्ड एटम मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किए जा पा रहे थे। उनमें से एक फिनोमेना था जीमन इफेक्ट, जो कि जीमन ने 1896 में डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या देखा था कि जब हम हाइड्रोजन लाइक एटम्स कौन से होते हैं, जिनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब हाइड्रोजन लाइक एटम्स को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो उनके स्पेक्ट्रम की हर एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो फर्दर स्प्लिट हो जाती है बहुत सारी लाइन्स में, और इस फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स को बोला जाता है जीमन इफेक्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था ये। उसके बाद 1913 में स्टार्क नाम के साइंटिस्ट ने यह देखा कि जब हम हाइड्रोजन लाइक एटम्स को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हर एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो बहुत सारी लाइंस में स्प्लिट हो रही थी, और इस फिनोमेना को बोला जाता स्टार्क इफेक्ट। तो जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे बोहर समरफेल्ड एटम मॉडल के द्वारा। मीन्स जो फाइन स्ट्रक्चर आ रहा था हाइड्रोजन लाइक एटम्स में वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। तो उसकी शॉर्ट कमिंग्स को दूर करने के लिए गाउट, स्मिथ एंड यूलेनबैक ने 1925 में उन्होंने एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी बात कही। उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ना केवल न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है अपने ऑर्बिट में, साथ के साथ वो अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करता है, जिसको हम स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मींस इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एक्सिस के अबाउट भी स्पिन करता है, वो स्पिन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, क्लॉकवाइज स्पिन भी हो सकती है। तो इसी चीज को बोला जाता है स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और एक चार्ज पार्टिकल जब डेफिनेट पाथ में मूव करता है
तो वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट आने के साथ साथ मीन्स वहां पर एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, जिसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड हमने इंट्रोडक्शन में लिखा था। और जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम पे कैसे डिपेंड करता है वो भी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट फीचर में आप थ्योरी में क्या लिख के आएंगे। फर्स्ट फीचर ऑफ वेक्टर एटम मॉडल इज स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच लाइक एटम्स, यूलेनबेक एंड गाउट्स मीट इन द ईयर 1925 पुट फॉरवर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन हाइपोथेसिस। जो हमारे पास हाइड्रोजन लाइक एटम्स की स्पेक्ट्रल लाइंस की फर्दर स्प्लिटिंग हो रही थी, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड में हो जीमन इफेक्ट के द्वारा, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो स्टार्क इफेक्ट के द्वारा, तो फर्दर स्प्लिटिंग जो हो रही थी मींस हाइड्रोजन लाइक एटम्स का जो फाइन स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा था, मल्टीपल लाइंस तो देखने को मिल रही थी हर एक स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर, उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूलेनबेक एंड गाउट्समिट ने 1925 में इलेक्ट्रॉन स्पिन हाइपोथेसिस को प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि हाँ, इलेक्ट्रॉन स्पिन नाम की भी कोई चीज होती है। अकॉर्डिंग टू विच इन एडिशन टू द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इट आल्सो रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ना केवल अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसा कि हमने बोहर सोमरफेल्ड मॉडल में भी देखा, जैसा कि हमने बोहर सिंपल बोहर मॉडल में भी देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट में। बोहर सर ने कहा था कि वो ऑर्बिट स्फेरिकल होते हैं, जबकि सोमरफेल्ड ने बोहर मॉडल को करेक्ट करके कहा था कि नहीं, वो ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल शेप के भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के ऑर्बिट में रिवॉल्व तो करेगा करेगा न्यूक्लियस चारों तरफ, साथ के साथ अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करेगा, मींस इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन मोशन भी रखता है। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन मोशन इन एडिशन टू ऑर्बिटल मोशन, मींस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ स्पिन मोशन भी होता है। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन पोजेसेस स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर एंड हैज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस वेक्टर। देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई चीज रिवॉल्व करती है या रोटेट करती है तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम आता है, क्योंकि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम स्पिन मोशन के कारण आ रहा है, तो उसको नाम दिया जाएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन के अंदर स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा एस वेक्टर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में तो हमें पता था कि इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के वो क्योंकि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, साथ के साथ उसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है एस वेक्टर, जिसको डिनोट करते हैं। अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम है तो वहां पर इस एंगुलर मोमेंटम की वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, उसको बोला जाएगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट तो होता ही है इलेक्ट्रॉन के पास, और साथ के साथ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये स्पिन मोशन के कारण है, तो इसको हम डिनोट करेंगे म्यू एस से, मींस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो स्टूडेंट्स, एक लाइन आप वही लिखेंगे जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखी थी, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर इज गिवन बाय एस वेक्टर, एस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एस वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल एस इनटू स्मॉल एस प्लस 1 एच कट, वेयर एस इज स्पिन क्वांटम नंबर, एस इज प्लस माइनस हाफ, जिसको हम एस स्टार एच कट भी लिख सकते हैं, वेयर एस स्टार इज इक्वल टू रूट एस एस प्लस 1। ये जो लाइन है, हमने लास्ट की जो दो लाइंस लिखी हैं, जो हम इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर चुके हैं हम कैसे लिखेंगे, वही लाइन आपको यहाँ पे रिपीट करनी है। तो अब स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे यहाँ कि जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना होगा और वो किसके मल्टीपल्स में होगा, तब हमारा जो फर्स्ट फीचर है वो खत्म होगा। तो स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने देखा कि कितना मैग्नीट्यूड होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन का। देखिए स्टूडेंट, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होने की वजह से उसके पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है इन एडिशन टू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। आइए देखते हैं मैग्नीट्यूड कितना होगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का, और वो कैसे डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम पर। आइए देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के मैग्नीट्यूड को हम म्यू एस से डिनोट करेंगे, इसको आप म्यू एस वेक्टर के साथ ये दो लाइनें लगाकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू ई बाय एम इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम दैट इज कैपिटल एस ई। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, एम यहां पर मास है इलेक्ट्रॉन का 9.31 इनटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल एस की जो वैल्यू आई थी पिछले सेक्शन में वो आई थी स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल एस एस प्लस 1 इनटू एच कट, वो हम यहां पुट कर देते हैं कैपिटल एस की जगह। ई वाई एम हमारा ऐसे रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ एस एस प्लस 1 एच कट, ये कैपिटल एस की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी। देखिए स्टूडेंट्स, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की स्पिन पॉसिबल है, प्लस हाफ या माइनस हाफ। अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें स्पिन का तो हम प्लस हाफ लेके चलेंगे, तो यहां पर हम स्मॉल एस की वैल्यू जो है वो प्लस हाफ पुट कर देते हैं, और एच कट आप जानते हैं क्या होता है, एच अपॉन टू पाई होता है। हमने एस की दो वैल्यूज में से माइनस हाफ एंड
प्लस हाफ में से प्लस हाफ वैल्यू यहां पर पुट की है स्मॉल एस की जगह। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 1/2, अगर आप एलसीएम लेंगे ब्रैकेट का तो 3/2 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 2 × 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और म्यू एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 EH अपॉन 4 पाई एम। EH अपॉन 4 पाई एम एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसको हम बोहर मैग्नेट्रॉन के नाम से जानते हैं, इसको हम म्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर म्यू बी इज इक्वल टू EH अपॉन 4 पाई एम। अगर यहां पर E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, पाई की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दी जाए तो म्यू बी की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 9.27 × 10⁻²⁴ जूल पर टेस्ला। मींस जो स्पिन मैग्नीट्यूड होता है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का वो होता है √3 टाइम्स म्यू बी के बराबर। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा कंसेप्ट था स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन का, इसने ना केवल बहुत सारे अल्कली मेटल्स के फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, जैसे कि सोडियम जो हमारा अल्कली मेटल है उसके उसके स्पेक्ट्रम में हमें दो दो लाइंस नजर आती हैं, मींस वहां पर डबलेट नजर आता है हमें 589 एंगस्ट्रॉम एंड 5896 एंगस्ट्रॉम का डबलेट नजर आता है जो कि 6 एंगस्ट्रॉम के डिफरेंस पर होता है, उसको भी एक्सप्लेन करता है स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन और साथ के साथ एनोमलस जीमन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करता है जो कि हमारे प्रीवियस मॉडल बोहर समरफेल्ड एटॉमिक मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। तो स्टूडेंट स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन में आप यहां तक लिख के आएंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकेंड फीचर ऑफ वेक्टर एटम मॉडल आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वेक्टर एटम मॉडल की, जिसका नाम है स्पेशल क्वांटाइजेशन। देखिए स्टूडेंट्स वेक्टर एटम मॉडल से जो पिछला मॉडल था बोहर समरफेल्ड एटॉमिक मॉडल, वो हमें कहता था कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स हैं वो इलिप्टिकल शेप के होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स होते हैं वो टू डायमेंशनल होते हैं। मींस अगर आपने इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन करना है तो आपको 2 degrees ऑफ फ्रीडम चाहिए होंगे। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ आपको 2 quantum numbers की जरूरत पड़ेगी अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को डिफाइन करना है, बट वेक्टर एटम मॉडल हमें कहता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो है वो 2 dimensional ना होके 3 dimensional होते हैं। मींस अगर आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन करना है 3 dimensional इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर तो आपको कम से कम 3 degrees ऑफ फ्रीडम जो है वो चाहिए होंगे, मींस आपको 3 quantum numbers चाहिए इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को डिफाइन करने के लिए। इन 3 में से जो पहले 2 quantum numbers होंगे वो हमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के साइज एंड फॉर्म की जानकारी देंगे, जबकि जो तीसरा क्वांटम नंबर होगा वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की ओरिएंटेशन को क्वांटाइज करेगा। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के 3 dimensional होने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट कर सकता है, एक सर्टेन फिक्स्ड एंगल्स पर ही वो ओरिएंट कर सकता है और यही स्पेशल फीचर है स्पेशल क्वांटाइजेशन का। ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स को वेक्टर क्वांटिटीज बनाता है, एक मींस हमारे पास सर्टेन डिस्क्रीट ओरिएंटेशंस ही पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के लिए। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि स्पेशल क्वांटाइजेशन की थ्योरी में आप क्या ऐड करके आएंगे एग्जाम के अंदर। सेकेंड फीचर ऑफ वेक्टर एटम मॉडल इज स्पेशल क्वांटाइजेशन। अकॉर्डिंग टू बोहर समरफेल्ड एटम मॉडल वी हैव सीन दैट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2 dimensional, सो द इलेक्ट्रॉन पोजेसेस ओनली 2 degrees ऑफ फ्रीडम। बोहर समरफेल्ड एटम मॉडल हमें क्या कहता था, जो कि वेक्टर एटम मॉडल से पहले था, वो हमें ये कहता था कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स होते हैं वो 2 dimensional होते हैं। मीन्स अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉन की पोजिशन को डिस्क्राइब करना है ऑर्बिट के अंदर तो कम से कम आपको 2 degrees ऑफ फ्रीडम चाहिए होंगे, और हम ये भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स ओनली 2 quantum numbers आर सफिशियंट टू डिफाइन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। मींस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को डिफाइन करने के लिए आपको सिर्फ 2 quantum numbers चाहिए होंगे, ये हमें कहता था बोहर समरफेल्ड एटम मॉडल। बट इन जनरल द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव्स इन 3 dimensional स्पेस, बट वेक्टर एटम मॉडल हमें कहता है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो 2 dimensional ना होकर 3 dimensional होता है, एंड देयरफॉर इट पोजेसेस 3 degrees ऑफ फ्रीडम। मींस उसके पास 3 degrees ऑफ फ्रीडम होंगी, मींस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए ऑर्बिट में हमें कम से कम 3 degrees ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स 3 quantum numbers आर रेडी टू डिफाइन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, और दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को डिफाइन करने के लिए आपको 3 quantum numbers की जरूरत पड़ेगी। द 2 out of 3 quantum numbers गिव साइज एंड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। इन 3 में से जो पहले 2 quantum numbers होंगे वो हमें क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की साइज और फॉर्म के बारे में जानकारी देंगे। वेयर एज द 3rd quantum number क्वांटाइजेस द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। जो तीसरा क्वांटम नंबर होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की ओरिएंटेशन को क्वांटाइज करेगा। मींस हमारे पास कुछ ही पॉसिबल ओरिएंटेशंस पॉसिबल हो पाएंगी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के लिए। दस ओनली सर्टेन डिस्क्रीट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट आर अलाउड। हर एक ओरिएंटेशन नहीं पॉसिबल होगी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के लिए, कुछ अलाउड हमारे पास ओरिएंटेशंस होंगी जहां पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो है वो ओरिएंट कर सकता है। दस स्पेशल क्वांटाइजेशन मेक्स इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट वेक्टर
क्वांटिटीज, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को थ्री डायमेंशनल बोला गया है वेक्टर एटम मॉडल के अंदर, मीन्स इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज माने जाएंगे स्पेशल क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप स्पेशल क्वांटाइजेशन में और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शन के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप स्पेशल क्वांटाइजेशन को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है और इसको हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने जेड एक्सिस के अलोंग अप्लाई किया है, ये हमारी जेड एक्सिस है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी हमने इसी डायरेक्शन में जो है वो अप्लाई कर दिया, ये हमारा बी वेक्टर है इस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो हमें एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देता है, जिसको हम कैपिटल एल वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अबाउट प्रीसेस करना शुरू कर देता है। प्रीसेसिंग क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स अगर आपने बचपन में लट्टू घुमाया होगा तो आपको पता है लट्टू कैसे करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वो प्रीसेशनल मोशन करता है, जब उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही होती है तो वो ऐसे ऐसे हिलता है। उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अबाउट जो है प्रीसेस करेगा, जैसे हमारा मैकेनिकल टॉप करता है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंडर। तो स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि जो एल वेक्टर है बी वेक्टर है, मींस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के ऊपर जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है जो कि ऑर्बिटल एंगल मोमेंटम की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, ये जो हमारा ये डायरेक्शन है जो नॉर्मल है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ जो है वो प्रीसेस करना शुरू कर देता है लाइक दिस। आपको एग्जाम में ऐसे भी बना के आने, ऐसे ऐसे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट जो है ये लाइन जो है ये जो हमारा नॉर्मल ड्रॉ की इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के ऊपर ये ऐसे ऐसे प्रीसेस करना शुरू कर देता है। स्पेशल क्वांटाइजेशन हमें क्या कहती है, स्पेशल क्वांटाइजेशन इस थीटा की वैल्यूज को डिस्क्रीट बनाती है। ये थीटा की वैल्यूज, हर वैल्यू जो है थीटा की पॉसिबल नहीं हो सकती, कुछ ही अलाउड वैल्यूज होंगी थीटा की जिसके अबाउट जो है एल वेक्टर बी वेक्टर के अराउंड जो है प्रीसेस कर सकता है। तो स्टूडेंट्स जो थीटा की वैल्यू होगी वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई किया है, बट जिस रेट से प्रीसेशन होगा वो डिपेंड करेगा फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो हमारा जो रेट ऑफ प्रीसेशन होगा वो ज्यादा होगा, अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है तो रेट ऑफ प्रीसेशन भी जो है वो कम रहेगा। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि आप स्पेशल क्वांटाइजेशन में और क्या ऐड करके आएंगे एग्जाम के अंदर। लेट वी प्लेस द एटम इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर अप्लाइड अलोंग जेड एक्सिस एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट मेक्स एंगल थीटा विद जेड एक्सिस। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, एटम को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हमने जेड एक्सिस के अलोंग अप्लाई किया, इसको हमने जेड एक्सिस मान लिया, ये हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है। और स्टूडेंट्स जो हमारा नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट है, ये हमारा प्लेन ऑफ द ऑर्बिट है, इसके ऊपर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जो कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। तो इसके बीच में और जेड एक्सिस के बीच में मींस एल वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो हमने थीटा मान लिया। ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द प्लेन ऑफ ऑर्बिट प्रीसेसेस अबाउट बी वेक्टर एज द प्रीसेशन ऑफ मैकेनिकल टॉप इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने का अफेक्ट ये होगा जो हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है वो बी वेक्टर के अराउंड जो है वो प्रीसेस करना शुरू कर देगा, ठीक उसी तरह से जैसे आपका लट्टू करता है मैकेनिकल टॉप करता है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। द स्पेशल क्वांटाइजेशन रिस्ट्रिक्ट्स थीटा टू सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज। अब जो थीटा की जो वैल्यूज होंगी वो स्पेशल क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग डिस्क्रीट होंगी, कुछ ही पॉसिबल वैल्यूज होंगी, हर एक वैल्यू जो है थीटा की वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, कुछ ही सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज पॉसिबल होंगी। मीन्स जो स्पेशल क्वांटाइजेशन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को क्वांटाइज कर रहा है, मीन्स उसकी ओरिएंटेशन को जो है वो क्वांटाइज किया जा रहा है स्पेशल क्वांटाइजेशन के द्वारा। वैल्यू ऑफ थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी वेक्टर बट द रेट ऑफ प्रीसेशन डिपेंड्स ऑन द फील्ड स्ट्रेंथ। जो थीटा की वैल्यू है वो बी वेक्टर पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि जो रेट ऑफ प्रीसेशन है किस रेट से हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट बी वेक्टर के अबाउट प्रीसेस करेगा वो डिपेंड जरूर करेगा फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स अब हमने एल वेक्टर इस डायरेक्शन में लिया हुआ है, अगर आप जेड कॉम्पोनेंट लेना चाहें एल वेक्टर का तो वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो स्टूडेंट जो एल वेक्टर का जेड कंपोनेंट होगा वो जेड एक्सिस के अलोंग होगा, मींस बी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, इसको हमने एल जेड मान लिया, ये जेड कंपोनेंट है और इसको हमने ज्वाइन कर दिया ताकि हमारे एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाए। इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं ओ ए ओ पी क्यू दे देते हैं नाम, ये हमारी ट्रायंगल फॉर्म हो रही है ओ पी क्यू। तो स्टूडेंट आगे क्या लिखेंगे आप,
जेड कॉम्पोनेंट ऑफ एल वेक्टर इज गिवन बाय एल जेड की जो वैल्यू होती है, मीन जो जेड कॉम्पोनेंट होता है एल वेक्टर का वो कितना होता है, एल जेड इज इक्वल टू एम एल एच अपॉन टू पाई। एम एल यहाँ पर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है और एम एल की जो वैल्यूज हो सकती हैं फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल वो होंगी माइनस एल से लेके प्लस एल तक। मान लीजिए आपकी एल की वैल्यू टू है तो आपकी एम एल की जो वैल्यूज होंगी वो माइनस टू से लेके प्लस टू तक होंगी, मीन्स माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, मीन्स फाइव वैल्यूज होंगी एम एल की फॉर एल इज इक्वल टू टू। ऐसे ही अगर एल इज इक्वल टू वन होगा तो एम एल की जो वैल्यूज होंगी वो माइनस वन से लेके प्लस वन तक होंगी, मीन्स माइनस वन जीरो प्लस वन मीन्स थ्री वैल्यूज होंगी। मीन्स डिपेंड करेगा कि एल की वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग जो एम एल की वैल्यूज होंगी वो माइनस एल से प्लस एल होंगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम ट्राइंगल ओ पी क्यू में कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर बेस जो है हमारा वो एल जेड है यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज बनेगा यहाँ पर वो ये बनेगा जिसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ एल वेक्टर से डिनोट करेंगे वो होगा हमारा कैपिटल एल। तो स्टूडेंट्स अगर हम कॉस थीटा निकालें ट्राइंगल ओ पी क्यू में तो वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारा एल जेड और हाइपोटेन्यूज है एल। तो एल जेड की वैल्यू अभी हमें पता है जेड कॉम्पोनेंट कितना होता है एल वेक्टर का, वो होता है एम एल अपॉन एम एल इंटू एच अपॉन टू पाई, और कैपिटल एल की वैल्यू हमें पता है वो कितनी होती है, मैग्नीट्यूड कितना होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, वो हमने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था वेक्टर एटम मॉडल की, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई। तो एच अपॉन टू पाई से एच अपॉन टू पाई कट जाएगा तो वो कॉस थीटा जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी एम एल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल एल प्लस वन। तो थीटा की जो वैल्यूज होंगी वो यहाँ से निकलेंगी, यही पॉसिबल वैल्यूज होंगी थीटा की। तो एल की वैल्यू जो है अगर मान लीजिए टू है तो एम एल की फाइव वैल्यूज होंगी, तो आपके पास थीटा की जो है वो भी फाइव वैल्यूज निकल के आएंगी फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल। तो स्टूडेंट्स फाइव पॉसिबल वैल्यूज होंगी थीटा की फॉर एल इक्वल टू टू प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस टू से लेके प्लस टू तक वैल्यूज होंगी। तो थीटा जो है यहाँ पर क्वांटाइज हो रहा है स्पेशल क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा वेक्टर एटम मॉडल जो हमें कहता है कि एक बार हम शुरू से एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। जो हमारा वेक्टर एटम मॉडल है वो हमें ये कहता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट में उसके पास दो तरह के एंगुलर मोमेंटम होते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, और स्टूडेंट्स और उसके पास अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के कारण भी एक एंगुलर मोमेंटम आता है जिसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऐड अप होकर टोटल एंगुलर मोमेंटम देते हैं जिसको हम जे वेक्टर से डिनोट करते हैं, मीन जे वेक्टर इज इक्वल टू एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर, और जे एल एंड एस तीनों क्वांटाइज होंगे वो हमने स्टार्टिंग में देखा था उनके मैग्नीट्यूड्स कितने कितने होंगे। फिर हमने इसकी फीचर्स की बात की, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन की बात की जिसमें हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करता है जिसके कारण उसके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी आता है, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया था वो भी हमने निकाला था स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन के केस में। फिर हमने स्पेशल क्वांटाइजेशन की बात की थी जिसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट थ्री डायमेंशनल होते हैं वो टू डायमेंशनल नहीं होते, तीन क्वांटम नंबर चाहिए होंगे आपको, दो जो क्वांटम नंबर्स हैं वो शेप एंड फॉर्म बताएंगे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की, जो तीसरा क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के ओरिएंटेशन को क्वांटाइज करेगा। फिर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का बिहेवियर डिस्कस किया, और हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो है वो बी वेक्टर के अराउंड जो है वो प्रीसेस करता है, और जो हमारा नॉर्मल होता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के ऊपर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं उसकी, और वो वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू एम एल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल एल प्लस वन। तो स्टूडेंट्स इतना अगर आप लिखाते हैं तो क्वेश्चन चाहे 8 नंबर का आए चाहे 6 मार्क्स का आए तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे आ सकता है कि डिस्क्राइब वेक्टर एटम मॉडल एंड व्हाट आर इट्स मेन फीचर्स, ये पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। आपको अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन 4 नंबर में, तो आपको 4 नंबर में सिर्फ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन ही लिखना है। आपको ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल क्वांटाइजेशन 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में, तो सिर्फ आपको स्पेशल क्वांटाइजेशन वाला पॉइंट ही उसमें ऐड करना होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक और आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से ग्रास्प हुआ होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।